हेलो फ्रेंड्स, मैं शौत्रिक। कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकन करेंसी के बारे में, यूएस डॉलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ यूएस डॉलर नोट्स और उनके कॉइन्स के बारे में। अनफॉर्चुनेटली एक टाइप का कॉइन और एक टाइप की नोट मेरे पास नहीं है, वो है $2 का नोट और $0.5 की कॉइन। काफी रेयर है, मैं तो खुद कभी यूज नहीं किया इसलिए मेरे पास था नहीं। इवन लोकल में जो बैंक ब्रांच में गया उनके पास भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे नोट्स को बिल बोलते हैं, $1 बिल और $100 बिल। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये $1 बिल है। $1 मतलब आज के दिन में, आज जनवरी 2018 है, आई बिलीव आज के दिन में अराउंड 63 to 64 ऐसा कुछ होगा। तो लास्ट कुछ सालों में वो 60 to 70 के बीच में है। हर एक नोट के ऊपर आपको एक तस्वीर दिखेगा। इंडिया में जैसे सारे नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर होता है, यहाँ पे अलग अलग नोट के ऊपर अलग अलग प्रेसिडेंट्स के तस्वीर होते हैं। $1 बिल इनके ऊपर जॉर्ज वॉशिंगटन का तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं ये जॉर्ज वॉशिंगटन है। इस $1 नोट के पीछे आपको अगर यहाँ पे दिखे, ये प्रेसिडेंशियल स्टैम्प बोलते हैं इसको, और सील बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल सील्स। तो कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सील होते हैं, उनके खुद के सिंबल होते हैं, तो वो है ये। और आपको एक पिरामिड दिखेगा जिसका टॉप पोर्शन कटा हुआ है और एक छोटा सा पिरामिड बना हुआ है, उसके ऊपर एक आईज आंख का सिंबल भी है, आंख बना हुआ है। कुछ कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल मानते हैं, उसको ऑल सीइंग आई बोलते हैं, कुछ सीक्रेट सोसाइटी की बात करते हैं। खैर जो भी हो, हम लोग उसमें नहीं जाते आज। तो इसके आगे जो नोट है, बिल है, वो है $5 बिल, $5 के बिल। और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो है अब्राहम लिंकन, आप सबको शायद पता ही होगा, अब्राहम लिंकन। और पीछे जो बिल्डिंग है वो है लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी में है। तो होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ मैं वॉशिंगटन जाऊं, तो अगर गया तो आपको जरूर दिखाऊंगा वहां पे क्या क्या दिखने की चीज है। सो नेक्स्ट डॉलर बिल है $10 का बिल, $10 का नोट, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। और इसके पीछे जो फोटो आपको दिख रहा है, जो बिल्डिंग दिख रहा है, वो है यूएस ट्रेजरी। इसके बाद आता है $20 का नोट, और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो है प्रेसिडेंट जैक्सन, एंड्रयू जैक्सन। और पीछे जो बिल्डिंग है वो शायद आप सबको पता है, वो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। और इसके आगे है $50 का नोट, प्रेसिडेंट ग्रांट, $50 का बिल, प्रेसिडेंट ग्रांट। और इसके पीछे जो है यूएस कैपिटल बिल्डिंग, काइंड ऑफ अपना पार्लियामेंट और संसद। और फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन, $100 का बिल। यही यहाँ पे सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डिनोमिनेशन है, इससे ऊपर कोई बिल नहीं है, $100 इज द मैक्सिमम बिल, और बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसके पीछे जो बिल्डिंग की फोटो आपको दिख रहा है वो है इंडिपेंडेंस हॉल। तो इंडिपेंडेंस हॉल वो जगह है जहाँ पे इन यूएस में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, या फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, है वो यहाँ पे डिबेटेड हुआ था और फाइनली अडॉप्टेड हुआ था। तो इंडिपेंडेंस हॉल इज अ प्लेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वर डिबेटेड एंड अडॉप्टेड। ओके, तो चलिए मैं आपको अभी कॉइन्स के बारे में दिखाता हूँ। मेरे पास 5 टाइप के कॉइन्स हैं, लेकिन सर्कुलेशन में एक्चुअली 6 टाइप्स के कॉइन लीगल है। मेरे पास $0.5 का कॉइन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं इवन लोकल बैंक में भी गया, उनके पास भी नहीं है। तो फर्स्ट कॉइन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये 1 सेंट। 1 सेंट को आप ऐसे समझिए कि इंडिया में जैसे 1 पैसा 1 रुपये का 100 भाग है ना, 1 रुपये 1 पैसे का 100 गुना है। तो सिमिलरली $1 1 सेंट का 100 गुना है। तो ये 100 गुना छोटा है $1 से 1 सेंट। और एक बात को बताता हूँ, जितने भी कॉइन्स है यहाँ पे उन सब के, जैसे 1 सेंट का कॉइन है, 5 सेंट का कॉइन है, लेकिन इनका एक छोटा पेट नाम भी है, काइंड ऑफ पॉपुलर नेम भी है। तो 1 सेंट जो कॉइन है उसका पॉपुलर नेम है पेनी। और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट का फेस आपको दिखेगा
वो है अब्राहम लिंकन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है 5 सेंट, 5 सेंट्स, इसको निकल बोलते हैं। इसके ऊपर थॉमस जेफरसन, प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन की फिगर आपको दिखेगा। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं 10 सेंट्स। ये एक अजीब बात देखिए, ये जो 5 सेंट है इससे ये साइज में छोटा है। तो एनीवे, तो ये है 10 सेंट्स। 10 सेंट्स को यहाँ पे डाइम बोलते हैं, DIME, डाइम। और इसके ऊपर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की फिगर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉइन है यह है 25 सेंट्स, 25 सेंट्स। इसके ऊपर फिगर बना है प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का। 25 सेंट को यहाँ पे क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ ए डॉलर, इसलिए इसको क्वार्टर बोलते हैं। इसके आगे आता है हाफ डॉलर, मतलब 50 सेंट्स, हाफ डॉलर, जो मेरे पास नहीं है। और सबसे ऊपर आता है $1 की कॉइन, जो है ये। इसके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं मैं। तो $1 के ऊपर जो फिगर जो बना हुआ है ना, एक्चुअली 3 फिगर होते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि आज के दिन में सारे 3 फिगर मिलते हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअली 3 फिगर इसमें वंस अपॉन अ टाइम बनता था, मतलब डिफरेंट फेज में बनता था। तो फर्स्ट वन वॉज लेडी लिबर्टी। बाय द वे, जो 3 फिगर है तीनों के तीनों लेडीज हैं, नो मेल और नो प्रेसिडेंट्स। तो फर्स्ट वन वॉज लेडी लिबर्टी। लेडी लिबर्टी वैसे एक ग्रीक गॉडेस के नाम है, तो आई बिलीव उसी के नाम के ऊपर चलते ही वो लेडी लिबर्टी कॉइन वो बनाया गया था, वो और उसके ऊपर जो फेस था वो लेडी लिबर्टी की थी। तो और एक वर्षन आता है, उसमें जो लेडी फिगर है उसके उस कॉइन के ऊपर $1 के, उनका नाम है सुजन, सुजन बी एंथोनी। तो सुजन जो है उनको कहा जाता है वही फर्स्ट फीमेल वोटर है। फाइनली ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो इसके ऊपर और भी पढ़ाई कर सकते हो, और भी वीडियोस देख सकते हो, जान सकते हो। ये जो फिगर बना हुआ है इसके ऊपर, उनका नाम है साकाजीवा। मैं हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, साकाजीविया ऐसे भी बोलते हैं उनको। क्यों उनका नाम इसके ऊपर है? तो ये लेडी यूएस गवर्नमेंट की जो एक्सपेडिशन पार्टी थी उनको काफी हेल्प किए जब ये लोग साउथ में आए, साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आए, लुइजियाना एरिया में। तो तब वहां पे जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ कम्युनिकेट करने में काफी हेल्प किए। फिर कुछ एक दो बार ये जो एक्सपेडिशन पार्टी था वो कुछ उनको प्रॉब्लम हो गया, डेंजर में आ गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ये लेडी उनको बचाए और काफी हेल्प किए। तो जो भी हो, ये जो लेडी है इनका काफी कंट्रीब्यूशन है उस दौरान लेट 1800 में यूएस उस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन में। उन्हीं की याद में उनकी फिगर इस $1 कॉइन के ऊपर बना है। ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला, सीखने को और देखने को मिला है और आपको अच्छा लगा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। आपकी लाइक, कमेंट और शेयर मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे आपको कुछ और दिखाते हुए, कुछ नया चीज आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।